जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में आज पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने पौधे लगाए। एसीबी के अधिकारियों ने भी मुख्यालय परिसर में 50 पौधे लगाए। इस मौके पर डीजी बीएल सोनी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में देखा गया कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसी को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय पर पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जहाँ फलदार व छायादार पेड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास निरंतर चलना चाहिए और हर व्यक्ति को जहां भी संभव हो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस दौरान आईजी हिंगलाज दान, डीआईजी सवाई सिंह गोदारा, एसपी योगेश दादीच, पीआरओ सुमन सहित बड़ी संख्या में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे। अपन सब ने पिछले कुछ समय से जब कोरोना का ये काल देखा और उसमें देखा कि किस तरह से पर्यावरण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसको देखते हुए आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। हमारे सभी साथियों ने और हमारे मीडिया के भी साथियों ने हमने मिलकर के, और जो हमारे रोज़ाना के बहुत जो फलदायी पेड़ हैं जो हमें न केवल फल देते हैं बल्कि हरियाली से ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को हमेशा शुद्ध करते हैं, उस तरह के वृक्ष हमने लगाने का यहाँ प्रयास किया। और ये प्रयास मैं सोचता हूँ निरंतर चलना चाहिए, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं जहाँ भी संभव हो, चाहे वो अपने घर में इंडोर प्लांट लगाएं, चाहे बाहर आउटडोर प्लांट लगाएं, या कहीं पार्क के अंदर पेड़ लगाएं, या कहीं शमशान वाली जगह पे कहीं लगाएं, जो भी पब्लिक यूटिलिटी की जगह है वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए।